अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जहांगीरपुरी को लेकर किस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। हिंदू मुस्लिम बवाल समेत कभी मस्जिद तो कभी मंदिर के नाम पर दिल्ली का ये जहांगीरपुरी पूरी दुनिया में पहचाना गया था कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंदू मुस्लिम विवाद गहराता जा रहा है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के बाद से दिल्ली के जहांगीरपुरी में बवाल देखने को मिला था। शोभा यात्रा पर चले पत्थर के बाद मस्जिद पर चला बुलडोजर, कुछ ऐसे ही टैगलाइन के साथ जहांगीरपुरी को बदनाम कर कई तरह की खबरें चलाई जा रही थी। जहांगीरपुरी में हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस को भी घेरा गया कि कैसे पुलिस की मौजूदगी में इस तरह का बवाल खड़ा हो गया। लेकिन नाजरीन, जहांगीरपुरी के इस बवाल के बाद से प्रशासन जिस तरह से जहांगीरपुरी में मुस्तैद है, जिस तरह से पुलिस पूरे मामले को संभाल रही है, वह काबिले तारीफ है। इस पूरे मामले में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पुलिस की DCP उषा रंगनानी की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है कि किस तरह से उन्होंने जहांगीरपुरी में एक बार फिर से भाईचारे को वापस से कायम करने में अहम भूमिका निभाई है। आप सुन सकते हैं भारत माता की जय के नारे भी यहां लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे यहां लगाए जा रहे हैं। फूलों जोश के साथ देश को सपोर्ट करने के लिए, देशवासियों में हर्षोल्लास पैदा करने के लिए जो है इस तरह का प्रोग्राम जो है जहांगीरपुरी के निवासियों ने यहाँ पर। जी हाँ, नफरत भरे इस माहौल में उषा रंगनानी ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की पहल की है वो सराहनीय है। अभी बीते दिन ही जहांगीरपुरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम समेत हर धर्म हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस दौरान दिल्ली पुलिस भारी संख्या में मौजूद रही ताकि इस प्यार भरे माहौल को बरकरार रखा जा सके। जब तिरंगा यात्रा निकाली गई तो लोगों ने फूल बरसाकर इस पहल को न सिर्फ सराहा बल्कि तहे दिल से इस रैली का इस्तकबाल किया। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की DCP उषा रंगनानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों समाज को एक करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम इस देश की पहचान है, जो बरसों से एक साथ रहते आ रहे हैं और आगे भी एक साथ ही रहेंगे बगैर किसी हिंसा और सांप्रदायिक खबरों के। नासिर, क्या कुछ कहा DCP उषा रंगनानी ने, आप खुद भी सुनिए। आप खुद ही देख रहे हैं, सभी ये प्रपोजल कम्युनिटी की तरफ से ही आया था, जो एक मैसेज जा रहा है कि लोगों में अभी तक मन मुटाव है, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलके रह रहे हैं और आगे भी रहना चाहते हैं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, जो हमारी तरफ से एक प्रयास था, उनकी तरफ से एक पहल थी, सब मिलके रहे। हिंदू मुस्लिम हमेशा से भाई भाई की तरह देश में रहे हैं, आगे भी रहेंगे। नाजरीन, नॉर्थ वेस्ट DCP उषा रंगनानी ने जिस तरह से नफरत भरे माहौल में नरमी पैदा कर एक बार फिर से कौमी एकता का समा बांधने की कोशिश की है, ऐसे ही दिल्ली पुलिस के और अधिकारियों को चाहिए कि वह भी अपने अपने लेवल पर समाज को एक करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे दावतें, कुछ ऐसे अवतार पार्टी प्लान करें जिससे दो अलग अलग समुदाय आपस में मिलजुल सकें और अपने गिले शिकवे को मिटाकर भाईचारे के साथ उसी मोहब्बत और उसे खुलूस के साथ रहे, जो हमारे देश की बुनियाद है, जो हमारे देश की पहचान है। नाजरीन, हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करते हैं कि न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप भी अपने लेवल पर नफरत की इस खाई को, नफरत के इस जहर को कम से कमतर करने की कोशिश करें। अपने पड़ोसियों से मुखातिब हो, फिर चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी मजहब के मानने वाले ही क्यों ना हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास के माहौल को बेहतर से बेहतर बना सके। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। खुदा हाफिज़। जय हिंद।